आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डायनेमिक चार्ट्स का पार्ट। हम डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन के डायनेमिक चार्ट के जो है दूसरे क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको चार्ट्स के एग्जांपल दिखाए थे और कौन कौन चार्ट क्या होता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब जो है हम बात कर रहे हैं आपके साथ कुछ और चार्ट ट्रिक्स के बारे में। सर वो रिकॉर्डिंग की इजाजत दे दीजिए, परमिशन। जी हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के परमिशन दे चुका हूँ सर। मेरे पास आ नहीं रहे सर। एक छोटा सा हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि हम चार्ट में ग्राफिक्स का इस्तेमाल कैसे करें। आज का टॉपिक समझी से स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे सपोज दैट मेरे पास बैंक्स हैं और यहाँ पे हमने बैंक का नाम दिया IDBI, SBI, एक्सिस और SBI आपका है ना, SBI था ये, PNB कर देता हूँ। और मैं मंथली रिपोर्ट बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे जैन का डेटा ले लिया। सिंपल सा एक डेटा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए आसानी से। और फिर यहाँ पे हम कुछ डेटा दे देते। अब मेरे पास ये डेटा है, लेकिन हो सकता है मेरा डेटा इससे बड़ा हो। ये फिलहाल समझिए कि ये डेटा हमारे पास है, हमने कॉपी किया, इस पे हम पेस्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे मान लीजिए हमने कॉलम चार्ट को ही लिया। बट कॉलम चार्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपका चार्ट लगता है तो इस तरह का चार्ट होता है, इसमें कई सारे आपके जो है एंगल आ जाते हैं तो उसको समझना मुश्किल होता है। देखिए IDBI बैंक, अलग अलग बैंक का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें एक और है आपका, क्या आपके पास अगर इस तरह से रो एंड कॉलम ज्यादा है तो इंसर्ट कीजिए यहाँ पे स्टैक चार्ट। एक्सटैक चार्ट में क्या होता है कि जितने कॉलम उतना ही कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में जितने नंबर रो का डेटा है उतने उस इसका कॉलम का पार्ट कर देंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐड डेटा लेबल कर देते हैं और इस डेटा लेबल पे हम फॉर्मेट करते हैं कि फॉर्मेट डेटा लेबल, और इसमें इसका सीरीज नेम भी डाल देते हैं, सीरीज नेम कैटेगरी में सीरीज नेम। ये IDBI हो गया, तो आपको समझ में आसानी से आ रहा है कि हाँ IDBI बैंक है या और भी बैंक है। इस तरह से आप इसका कंट्रीब्यूशन दे सकते, एक तो ये लगा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम कंट्रीब्यूशन देखना है कि किसका क्या रोल है, कितना परसेंटेज है, तो आप जो है यहाँ पे 100% स्टैक जो है कॉलम चार्ट ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें आपके हर पाई के सेम, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन माने मंथ टू मंथ कोई कंपेयर नहीं होगा, लेकिन हाँ इस मंथ में कितना परसेंट है उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। किस बैंक का कितना परसेंट है आप देखिए यहाँ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। और इसमें भी डेटा ऐड फॉर्मेट डेटा लेबल कर दीजिए, इसमें भी आपको चलाता है कि क्या है, ये चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करना है, मतलब मुझे तो यूज करना यही चार्ट, लेकिन इसमें मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूं इजिली। ऐसे तो आइडेंटिफाई होता है कि IDBI बैंक है, कलर टू कलर मैच करता है, तो हम यहाँ कलर टू कलर मैच कर लेंगे। लेकिन मैं कलर टू कलर मैच नहीं करना चाहता, मुझे इस बार को देख के ही पता चल जाए कि IDBI बैंक है, हटा देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे ऐड डेटा लेबल, और इस डेटा लेबल में राइट क्लिक किया फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाएंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे इसकी सीरीज नेम ले लेते हैं, उसके बाद इसके अलाइनमेंट में आते हैं और अलाइनमेंट में इसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, हो गया। और दूसरी चीज इसमें एक काम और करता हूं मैं, यही पे है यहाँ पे देखिए सेंटर है, तो मैं इसको सेंटर में कर दूंगा तो और बेटर दिखेगा। आउटसाइड भी कर सकते हैं, इनसाइड भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। अब ऐसे जो है हर किसी का कर लें और कलर भी उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लें,
तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आईडीबीआई बैंक है, इसको सिलेक्ट करके सेम फीचर अप्लाई कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करके सेम फीचर अप्लाई कर दीजिए, तो समझ में आता है। बट मैं इससे भी और अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूं, मैं इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूं। ओके, तो क्या करें? तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंटरनेट की मदद लेनी पड़ी और थोड़ा सा मुझे यहां पे कुछ और चीजों की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहां पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायनेमिक चार्ट के बारे में, तो डायनेमिक चार्ट में जैसे आप देख रहे हैं ये चार्ट हमारा, अब ये चार्ट में हमने एक हमारे पास कई सारे कॉलम्स और कई सारे रोज हैं, और यहाँ पे हमने एक बार चार्ट लिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं फाइंड कैसे कर पाऊं कि कौन सा चार्ट किसका है, मैं फाइंड कैसे करूं कौन सा चार्ट किसका है, जिसके लिए मुझे यहाँ कलर मैच करने होते हैं। कलर ना मैच करूं उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, वो एड डेटा लेवल किया। एक बार और एड लेवल करके दिखाता हूँ। एड डेटा लेवल पे गया, हमने इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे गए और यहां हम सीरीज नेम को सिलेक्ट कर दिया और इसको इनसाइड करना है, इनसाइड कर दीजिए, सेंटर करना है, सेंटर कर दीजिए, और थोड़ा सा इसको और रोटेट कर देता हूं मैं, या अलाइनमेंट में आके हमने इसको यहां से रोटेट कर दिया तो इसके बीच में आ गया। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इससे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूं अपने इस चार्ट। तो इसके लिए क्या करूं, सबसे पहले मैं डेटा लेबल को डिलीट कर देता हूं, मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या करें, तो इसके लिए हम यहां पे आते हैं गूगल पे, और मैं जैसे कि आईडीबीआई बैंक है तो आईडीबीआई बैंक इमेज में जाता हूं और एक अच्छा सा सुटेबल लोगो में यहां से उठा लेता हूं आईडीबीआई बैंक का, ये सही है, मैं इसको ले लिया। यहां से राइट क्लिक, कॉपी इमेज करके एक्सेल में पेस्ट कर दिया। एक्सेल में डायरेक्ट अगर पेस्ट करने पेस्ट ना हो तो पहले उसको पेंट पे ले जाए फिर पेस्ट कर। अब यहां देखिए इसके साइड में बहुत सारा एक फालतू एरिया है, तो पिक्चर में आता हूं मैं, क्रॉप पिक्चर, और क्रॉप पिक्चर में मैं साइड से सबको क्रॉप कर देता हूं और इसको मैं यहां से रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री के एंगल में, इस तरह से हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और आइडिया बैंक वाले इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आता हूं और यहां हमने फिल में यहाँ सॉलिड फिल पे, नहीं सॉलिड फिल नहीं, मैं पिक्चर्स पे आता हूँ। पिक्चर्स पे एक तो पिक्चर को सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर मैं क्लिपबोर्ड से ले लेता हूँ, बेटर है। अब एसबीआई का है तो यहाँ हम चलिए एसबीआई का भी सेम इसी तरह से लेके आते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें हम हर चार्ट पे हर चीज पे रिपोर्ट पे डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। आप ऐसी उसी तरह की रिपोर्ट पे करें जिस जो आपको हर दिन बनाना है, लेकिन फॉर्मेट सब कुछ का सेम है, फॉर्मेट चेंज नहीं होता, चीजें चेंज नहीं होती है, पर डेटा चेंज होता है, उस चीजों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। देख मैं एक बार स्टेट बैंक का भी लंबा सा लोगो देख लेता हूं जो मेरे बार चार्ट पे फिट बैठ। ये सही है, इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी इमेज और अपने डेटा में इसको पेस्ट करता हूँ। तो बड़ा है
तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, थोड़ा सा इस तरह से और थोड़ा सा बड़ा, लंबा कर दीजिए थोड़ा सा। ओके सही है, अच्छा दिख रहा है, पॉप करने की जरूरत नहीं है, सब चीज ठीक है। हाँ ये हो सकते है कि आप यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे तो बेटर रहेगा, बॉर्डर देने से पता चल जाएगा ना कि भाई कहाँ तक है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर बॉर्डर कराता हूँ और एक छोटा सा ब्लू कलर का ही बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बता रहा है हाँ। और इसको फिर मैं यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया, मैं इसको कॉपी करूंगा और स्टेट बैंक वाले फील्ड पे आके राइट क्लिक, और यहाँ हम करेंगे फॉर्मेट, सीरीज में आएंगे और इसके फिल पे आएंगे और पिक्चर्स और क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं, स्टेट बैंक आ गया। देखिए ये उतना अच्छा जैसे आईडीबीआई बैंक दिख रहा है उस तरह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि तो हमने लोगो सही नहीं चुना है, लोगो गलत चुना गया है। तो आप अपने हिसाब से एक सही लोगो चुन सकते हैं जिससे आपका जो जैसा आप करना चाहते हैं वैसा हो जाए, या फिर आप लोगो बना भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसी को ले लेते हैं, ये बेटर है, ये उससे अच्छा है। तो कॉपी इमेज, हम इसको डिलीट करते हैं, इसके जगह पे हम पेस्ट करते हैं। अब इसको रोटेट कर देते हैं यहां से फॉर्मेट में 90 डिग्री, रोटेट करना जरूरी है ध्यान रखिएगा। इसको कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक, पिक्चर इस पे फॉर्मेट में, फिल में, पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड, ये बेटर है ना, और भी बेटर बना सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन उठ के आता है कि चलो ये तो बैंक्स थे तो हमने बैंक में इसका यूज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो डेटा है उसमें पर्सन्स के नेम है, क्या मैं पर्सन के नेम के लिए अब पर्सन का फोटो थोड़ी लगाऊंगा क्या सर? तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सैप्स का इस्तेमाल लेंगे। मैं एक काम करता हूं, यहां पे वर्ड आर्ट में आ जाता हूं। वर्ड आर्ट में मान लीजिए मैं सिंपल सा एक ले लेता हूं, और इसमें कौन सा है आपका एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक मैंने यहां पे टाइप किया बैंक का। उसके बाद इसको थोड़ा सा इसकी जो फिल है फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग में इसको लेके चलाता हूं, व्हाइट है तो इसकी कलर ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना जरूरी है ध्यान रखिए, क्योंकि इसके साइड में जो है ना, अगर डायरेक्ट कर देंगे तो साइड में बहुत एरिया आ जाता है, यहाँ से तो कम छूट रहा है लेकिन 2016 और 13 में बहुत ज्यादा एरिया छोड़ देता है। तो इसको जो है हमें यहाँ कॉर्प करके उस एरिया को काटना होता है, वरना क्या होता है कि ये यहाँ पे कम दिखाता है तो कंपेयरिंग में दिक्कत हो जाती है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको पिक्चर में कन्वर्ट करने से बेटर होता है, तो पिक्चर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दीजिए, देन अब इसको कॉपी कीजिए और जो आपका एक्सिस बैंक है उस पे जाएं और यहां फॉर्मेट डेटा सीरीज में, अब फिर फॉर्मेटिंग को डाल सकते हैं यहां पे पिक्चर्स क्लिप। समझ में आया यूसुफ जी, बेटर है ना? जी सर। तो अब जब बात है कि इसको बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत भी लगेगा, तो आप वो चार्ट जो कि फ्रीक्वेंसली डेली बेसिस में चेंज करते रहते हैं उन चार्टों पे इस तरह की चीजें इस्तेमाल ना करें, ये मेरी सलाह है। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको हर दिन इतना काम करना पड़ जाएगा, काम आपका बढ़ जाएगा, ऐसा कोई ऑटोमेशन नहीं है। सो इसका ध्यान आप रखें, ठीक है?
क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं एक तरीका। जैसे आपने कहीं पे, इसमें एक्सेल टेम्पलेट की बात कर लेता हूं, एक्सेल टेम्पलेट में ही आपने कुछ अच्छा सा चार्ट को देखा होगा, कोई अच्छा सा चार्ट आपने देखा है उसकी फॉर्मेटिंग। मैं ये काम करता हूं ना, ये यहां पे एक चार्ट, दो चार्ट बनाता हूं। किसी ने आपको फाइल भेजा और उसकी चार्ट को आपने देखा, वो चार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ये चार्ट मुझे मान लीजिए बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसा ही चार्ट बनाना है, बट प्रॉब्लम है कि इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है मुझे मेरे चार्ट पे नहीं मिल रहा, बात समझे। चलो मैं टेम्पलेट इससे ले लिया, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई और चार्ट आ जाए और आपके पास इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं मिल रहा है, मुझे सेम ऐसा ही चार्ट इस तरह की, इसी तरह की चार्ट की फॉर्मेटिंग बनानी, तो मैं इस चार्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और करूंगा पेस्ट स्पेशल। यहां से पेस्ट स्पेशल आपको नहीं मिलेगा, तो यहां होम में आ जाए और यहां पे आपको पेस्ट स्पेशल मिलेगा। तो पेस्ट स्पेशल में ऑल फॉर्मेट फॉर्मूला, तो मुझे तो फॉर्म में ऑल करूंगा सेम चार्ट आ जाएगा ना, बट इसमें तो मैं अलग चार्ट चाहिए, अलग डेटा है, हर चीज अलग है, तो मैं यहां पे इसकी फॉर्मेट लेके ओके करता हूं और देखिए सेम फॉर्मेट आपका कॉपी हो गया। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको अगर सेम तरह का चार्ट अगर आपको लाना हुआ और आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसको कॉपी करके पेस्ट ऐसे कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे ये चार्ट बनाया ना सर, इसी को कॉपी किया और इसके ऊपर सेलेक्ट किया, यहीं पे पेस्ट स्पेशल, और मैंने इसको फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके कर दिया, हो गया सर। अगर आप इसकी जो डेटा जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में होगा तो ठीक है, अगर सीक्वेंस हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आईडी बैंक का है, लोगो और फोटो में लिंक थोड़ी है इसका, मतलब मेनू लाल रखा है ना, क्या बोल रहे हो शिव जी, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही सर। तो इस तरह की चार्ट्स पे आप जो है अपनी फॉर्म में अपनी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ी सी चार्ट की ट्रिक्स, तो कल कुछ ऐसे ट्रिक्स ट्रिकी चार्ट हम आपको बताएंगे कल की क्लास में सर। लेकिन उससे पहले अभी तक की जो हमारी ये है क्लासेस की जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नया चीज बनाने की कोशिश करें।